दसवीं का रिजल्ट आज वहां गया है और इसमें रायपुर की विद्यानगर निवासी छात्रा हर्षिता क्षत्रिय ने 96.6% अंक हासिल करके प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। सुराज एक्सप्रेस से खास बातचीत में टॉपर हर्षिता ने कहा है कि हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट पढ़ाई की जरूरत है, तभी आप और सफल होंगे। वहीं अपने करियर को लेकर हर्षिता का कहना है कि वो आगे विज्ञान की पढ़ाई करेंगी क्योंकि वो साइंटिस्ट बनना चाहती हैं। टॉपर हर्षिता से खास बातचीत किया संवाददाता सत्या ने। राजधानी की बेटी हर्षिता सीबीएसई बोर्ड के 10वीं में 96% ला के छत्तीसगढ़ के नाम रोशन की है। इस वक्त हर्षिता हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्या रूटीन रहा पढ़ाई का, फैमिली से कैसा सहयोग मिला है। हर्षिता, सबसे पहले स्वराज एक्सप्रेस की ओर से आपको बहुत सारी बधाई। थैंक यू। हाँ, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये कहीं ना कहीं कठिन परिश्रम का फल है, तो पढ़ाई का क्या शेड्यूल होता था, किस तरह से पढ़ाई की कि आज आपने इतने परसेंट प्राप्त किए? पढ़ाई का ऐसे कोई शेड्यूल मैं टाइम टेबल नहीं बनाती थी, जब मन करता था तो पढ़ती थी और जब पढ़ाई में मन नहीं लगता था तो खेलती थी, गाने सुनती थी, ये सब था। जैसे कि कई बच्चे होते हैं जो बार बार पढ़ते हैं, घंटों पढ़ते हैं लेकिन उनके दिमाग में कुछ नहीं घुसता, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं आप पढ़ने में सक्सेस रही हैं। कुछ कोडिंग का सिस्टम था या कुछ अन्य तरीके से पढ़ाई करती थी जो दिमाग में रहता? हाँ, मतलब हमेशा बस हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, कभी कभार स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए, तो मैं हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करती थी। मतलब ऐसा नहीं कि बस सभी सब्जेक्ट्स को रट लेती थी, समझती थी तो वो मेरे दिमाग में बैठ जाता था। हर्षिता के दादा भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनके मम्मी पापा भी हैं, उनसे जानते हैं। दादा, कैसे लग रहा है आपकी पोती टॉप की है? अच्छा है बाबू, मैं अपने दिमाग से आगे बढ़ रहा है, बहुत अच्छा है, मेरे लिए खुशी है। उनको भविष्य बनना चाहिए। उनकी मम्मी भी हमारे साथ हैं। जनरली घर में ये होता है कि बच्चे अगर घर में रहते हैं तो उनसे काम की उम्मीद होती है, थोड़ा हमारे काम में हेल्प कर दें, तो आप इनके पढ़ाई में कैसे हेल्प करती थी और ये आपके काम पे किस तरह? काम में भी हेल्प करती थी और मैं उनके पढ़ाई में हेल्प करती थी। कितने पढ़ाई का रूटीन क्या होता था इनका? पढ़ाई 7-8 घंटा करती थी। आप बताइए किस तरह से पढ़ाई करती थी और आप इनसे किस तरह से जुड़े थे, सहयोग? पढ़ाई के बारे में तो आज तक हमें कभी उनको परेशान नहीं किया, जो करना है जैसे करना है, जैसे खेलना कूदना है, जो भी टीवी देखना है सब करती थी। ये सफलता का श्रेय है कि कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास और जो स्मार्ट वर्क है, तो इस तरह की तमाम अगर पढ़ाई करना चाहते हैं और जो ये सफलता का उदाहरण आपके पास है, अगर आप भी ऐसा सफल होना चाहते हैं तो इस तरह के मार्ग अपनाया जा सकता है। कैमरामैन चोरा आपके साथ, सत्या राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।